मेरा नाम अरुणा नाम है, मैं लाइफ एंड फाउंडेशन की फाउंडर हूँ और हम लोग एक अवार्ड शो रखते हैं जिसका नाम है द स्टार एक्सीलेंस अवार्ड। और इसका एक कॉज है, इसमें ऐसे विक्टम्स हैं जिनकी सर्जरी हुई है और जो मुझे फ़ोन करते हैं उनको ज़रा फाइनेंशियल हेल्प चाहिए, तो ये हमने कॉज रखा हुआ है। हम जो भी हैं, हमें हेल्प मिलेगी, हम उनको हेल्प करेंगे। तो जैसे कि आप सब जानते हो कि पैंडमिक में मैंने बहुत सारा काम किया था, मैं पर्सनली जाती थी, पहले अकेले करती थी, धीरे धीरे मेरे फ्रेंड्स मेरे साथ जुड़े और ऐसे ही हमारा कारोबार बढ़ता गया और भी फ्रेंड्स जुड़ते गए, तो अभी हम एक फैमिली बन गए हैं। तो अभी हम लोग सब, तो मैंने सोचा क्यों ना फिर हम लोग इतना सोशल वर्क कर रहे हैं तो अपना फाउंडेशन खोल लें। तभी मैंने अपना लाइफ एंड फाउंडेशन का सोचा कि मैं इसका नाम लाइफ एंड फाउंडेशन रखूं। और पैंडमिक में हमने ऑक्सीजन की व्यवस्था करी लोगों के लिए, बुक्स वगैरह, पैड्स वगैरह, दवाइयां वगैरह ये सब, और खाना 500 बच्चों को, तो हमने ये सब बहुत कार्य किए हैं। तो इसलिए अभी हम सोचते हैं कि हम इससे और भी आगे बढ़े और लोगों की सेवा करें। और जब हम लोगों की सेवा करते तो हमें बहुत अच्छा लगता है। और मैं सबसे आप सबसे यही गुजारिश करूँगी, आप ज़्यादा नहीं तो थोड़ा तो कर सकते हैं, करिए, लेकिन कुछ तो करिए। मेरे साथ नीता देसाई है, ये को फाउंडर है मेरे साथ, ये मेरी फ्रेंड थी तो ये भी मेरे साथ सोशल वर्क में आती थी, तो फिर ये इसने भी मेरे साथ बोला कि मैं भी करूँगी, तो ये अब मेरे साथ जुड़ी है। और कैरिन, डॉक्टर कैरिन तैरी है, वो भी प्रेसिडेंट ऑफ महाराष्ट्र है, वो भी मेरे साथ जुड़ी है। तो ऐसे धीरे धीरे स्वर्णलता है, डॉक्टर जिग्ना देसाई, रेणुका, ये सब, और क्या बोलते हैं, भारती छाबरिया जो आ नहीं सकी है, वो भी मेरे साथ जुड़ी है। तो ऐसे काफ़ी मेरे फ्रेंड्स जुड़े हैं और मुझे लगता है ये फ्रेंड्स नहीं है, मेरी फैमिली है। हाँ, मैं भूल गई, एरम जी भी हमारे साथ हैं, आज वो दिल्ली में हैं तो वो आ नहीं सकी, उनका भी बहुत सपोर्ट है। सबको पहले मेरा प्यार भरा नमस्कार, मैं लाइफ एंड फाउंडेशन की को फाउंडर हूँ और मुझे भी अरुणा जी के साथ जुड़ के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। उन्होंने पहले कोरोना में जो वर्क स्टार्ट किया, मैं धीरे धीरे उनके साथ हर वर्क में, हर काम में जुड़ती गई, जैसे हम लोगों ने बुक्स बांटे, बच्चों को खाना खिलाया, एवरीथिंग। सो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अभी हमारा ये फर्स्ट अवार्ड है, स्टार लाइफ एक्सीलेंस अवार्ड, जो हम अभी फर्स्ट अवार्ड जो दे रहे हैं उसमें हमारा ये कोज है कि हम एसिड विक्टिम्स को हेल्प करना चाहते हैं इस अवार्ड के जरिए। सो आई एम वेरी हैप्पी। मैं भूल गई हूँ, राविका दुग्गल जो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है और सिंगर है, मैं उनका नाम भूल गई, वो नाराज़ हो जाएंगे अगर मैं उनका नाम नहीं भूल गई। और शैलेश भाई भी, शैलेश इज अ बैक बोन, हाउ कैन आई फॉरगेट, जो मेरे एकदम करीब है ना, मैं उनका नाम भूल रही हूँ। हाँ, पुष्कर जी भी, आप भी तो हैं, आप सब मीडिया वाले, हमेशा आप लोगों ने सपोर्ट किया है और करते रहोगे। इवन दो आई एम सो सॉरी अगर मैं किसी का नाम मिस कर रही हूँ, बट आप मेरे दिल में हो, आप मेरे दिल के बहुत करीब हो। अभी थोड़ा काम इतना ज़्यादा है तो मैं इसमें व्यस्त हो गई हूँ। ये ऐसे लोगों को दिया जाएगा जिन्होंने पैंडमिक में कुछ कार्य किया है, लोग मतलब वो लोग आगे आए हैं और लोगों की सेवा करी है, ऐसे लोगों को मिलेगा। इसमें डॉक्टर्स भी हैं, बीएमसी वर्कर भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, डिज़ाइनर्स भी हैं, और इसमें जो प्रोफेशनल टीचिंग है, जो पढ़ाते हैं, स्कूल में काम करते हैं, तो उन्होंने, हर एक इंसान ने अपना जरिए खुद कुछ ना कुछ तरीके से लोगों को सपोर्ट किया है, तो उन सबको ये अवार्ड दिया जाएगा। ये कब होने वाला, कहाँ होने वाला है? ये अवार्ड जो है ये 9 अप्रैल को ये रहीजा क्लासिक क्लब में शाम को 4 से 8 बजे के करीब होने वाला है। ईमेल आईडी है lifeandfoundation@gmail.com, आप उस पर रजिस्टर करिए, जो हमारी जूरी है वो सिलेक्ट करेगी, अगर आप उसके काबिल हैं, आप उसके लायक हैं, आपने अगर बहुत काम किया है तो आप उसमें सिलेक्ट होंगे और आपको अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। शुक्रिया। नमस्ते सभी को, एंड हाय, आई एम डॉक्टर कैरन चेरी रजा, द प्रेजिडेंट, द महाराष्ट्र प्रेजिडेंट ऑफ लाइफ हैंड्स फाउंडेशन। और आज हम लोग ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है यहाँ पर अंधेरी लोखंडवाला में फॉर द रिलीज ऑफ द अवार्ड्स दैट वी आर गोइंग टू हैव ऑन द 9th of April इन एसोसिएशन विद लाइफ हैंड्स फाउंडेशन। सो इफ यू थिंक दैट यू हैव इट इन यू टू बी एन अवॉर्डी एंड यू फील दैट यू हैव डन समथिंग फॉर सोसाइटी, प्लीज डू रजिस्टर योर सेल्फ एट द अर्लीस्ट बिफोर द 9th। यू कैन रजिस्टर एट लाइफ हैंड्स फाउंडेशन @gmail.com. You can contact any of the Life Hand Foundation members.
So what we have planned these things, especially for the acid victims, we are incorporating them as well in this awards. So we want to do something for the society. So it is a kind of a cause that we have taken for this awards, especially for the acid victims. So it's time, do not waste your time, go register yourself, contact any of the members from Life Hands Foundation on the email as soon as possible. Namaste, Sastri Kalada. This is Ravika Dubal from Mumbai. And yes, I'm a singer. In this particular place, I'm sitting here because of this particular foundation, Life Hands Foundation. It's such an honor to be a part of this. We are coming up with the award function on 9th of April, and there's a real good cause behind it. It is for all the acid victim patients. One of the reasons is that, and the second is, all the women who have it in them, inequality, be it inequality, please come forward, register yourself and show your talent. घर बैठे बैठे तो हर इंसान अपने आप को कुछ अच्छा ही समझता है, लेकिन जब आप अपना टैलेंट दुनिया को दिखाओगे, प्लीज यूज़ दिस प्लेटफॉर्म लाइफ हैंड्स फाउंडेशन ऑन 9th of April टू शो योर टैलेंट एंड टू बी यू नो अ डिफरेंट पर्सन अमंग द अदर वुमेन इन दिस वर्ल्ड. आपका सपोर्ट कैसे रहेगा? मेरा सपोर्ट तो वैसे पूरी तरह से है, बिकॉज अरुणा कैरन वी आर ऑल वेरी गुड फ्रेंड्स. But in this particular show, I'll be hosting, I will be singing, plus I will be a part of the complete management team. So my friends, her friends, everybody's friends, come forward and join us in this. जी, हम तो पूरे बैकबोर्ड ही, हम लोग सब लाइफ हैंड्स फाउंडेशन के मेंबर्स हैं, तो इन एवरी वे वी आर देयर टू सपोर्ट अरुणा जी एंड लाइफ हैंड्स फाउंडेशन. तो हर चीज़ में हम लोग हर सपोर्ट करेंगे. एंड अ वेरी बिग थैंक यू टू ऑल मीडिया पीपल, जो आप लोग हमेशा हम लोग को सपोर्ट किया है. सो थैंक यू सो मच टू ऑल द मीडिया हु हैव सपोर्टेड अस. या दिस वुड हैव नॉट बीन पॉसिबल विदाउट यू मीडिया पीपल, बिकॉज हम जहाँ जाते हैं हमारा राइट हैंड आप लोग. जी बिल्कुल. इस वक्त गाने के लिए ठीक है, मैं हर बार नारी निकेतन के उसके हिसाब से रे गाती हूँ, लेकिन आज मैं एक बहुत ही प्यारा सा रोमांटिक गाना गाना चाहती हूँ. लग जा गले के फिर ये हसीना हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो. लग जा गले, आपके गले लगकर एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज कम फॉरवर्ड एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस. थैंक यू. माय प्रोफेशन, आई एम एन एजुकेशनिस्ट. फ्रॉम लास्ट कपल ऑफ इयर्स आई नो अरुणा, सो शी इज़ अ अमेजिंग सोल, अ वंडरफुल पर्सन आई हैव एवर मेट. So she started with the Life Hands Foundation, which was very touching to me. The work she has done with this foundation, helping all the poor and needy, and she was always supporting the women all around her. And this foundation is now coming up with the Achievers, this Life Hands Foundation, the Star Excellence Award. She is supporting the acid victims, where she is very much into, she is going to each of them, taking their interview and helping them out. So I with whole heart support the work she is doing for the acid victims, and I would request and also welcome all the people to come and register, come forward to know your faces to the all over the world of Mumbai and Life Hands Foundation. I am supporting from my I would like to support with all of my groups also, and I invite and welcome you all for this awards. Please register, come fast and register as soon as you come. You can connect in the mail and also to the numbers of the members. Thank you. Hello everyone. सभी को मेरा नमस्कार. दिस डॉक्टर जिग्ना देसाई. आई एम ए स्पिरिचुअल कोच, टैरो रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड हीलर एंड मच मोर. वेल, मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी, यहाँ पे मैं आज जो बैठी हूँ
So I feel very honored and thanks to Aruna ji for you know inviting me and making me a part of this. So मैं इनके साथ जुड़ी हुई हूँ as a supporting member. So मैं यही कहना चाहूँगी जो ये लेके आए जब मैं इनको पहली बार मिली तभी मुझे इतना अपनापन लगा and she is such a beautiful soul. तो ये जो भी जो कार्य कर रहे हैं मैं बस इसी में इनका सपोर्ट करना चाहती हूँ कि ऐसे ही हम लोग एक दूसरे का साथ दें और आगे बढ़े और जो ये लोग कॉज लेके आए स्पेशली इनका जो कॉज है विक्टिम यू नो एसिड के प्रति जो ये लोग विक्टिम्स जो है उनके लिए जो ये करना चाहते हैं मैं उसमें इनका पूरी तरह से सहयोग करूँगी. मैं सिर्फ यही चाहती हूँ कि ये बस ऐसे ही इनका जो फाउंडेशन है और भी आगे बढ़े और हम हेल्प करते रहे एक दूसरे को. थैंक यू सो मच. मैं तो आज पहली बार आया हूँ पुष्कर जी और इन्होंने बुलाया मुझे लाइफ एंड फाउंडेशन से जुड़ने के लिए. तो आज मैं देखने आया हूँ कि एग्जैक्टली क्या वर्किंग है किस टाइप का अवार्ड्स है. अगर सारा प्रोसेस इनके कोऑर्डिनेशन से स्मूथली गया तो डेफिनेटली एसोसिएट होके आगे बढ़ेंगे. अच्छा जी आप बताइए. मैं तो लाइफ एंड फाउंडेशन से काफ़ी टाइम से जुड़ा हूँ लगभग 1.5-2 साल हो गया हमको. पुष्कर भाई भी हम लोग एक टीम के साथ में ही काम कर रहे हैं लाइफ एंड फाउंडेशन में. इस बार अरुणा जी का एक मन हुआ कि चलो लोग अवार्ड शो करते तो इस बार हम भी एक अवार्ड कर लेते हैं. तो उनका प्रोजेक्ट था एक्सिट विक्टिम पे करना लेकिन वो चाहते हैं कि हर एक लोग को फेलिशिट करना चाहिए. तो उन्होंने फैसला किया और आज हम आपके सामने हैं. ये अवार्ड आ रहा है 9 अप्रैल को कर रहे हैं रेजा क्लासिक में. बाकी पुष्कर भाई बताएंगे. पुष्कर भाई बताएंगे बाकी. स्टार एक्सलेंसी अवार्ड नाम है उसका. 9 अप्रैल को क्लासिक रेजा में होने वाला है. यह एसिड विक्टिम को दिया जाएगा. उनके साथ ही जो लोग रहेंगे काबिल रहेंगे रजिस्ट्रेशन करेंगे हमारे lifeandfoundation@gmail.com पे. प्रोफाइल चेक करेंगे जूरी देखेगी उन्हें हम देंगे. अच्छा ये भी जानना चाहेंगे लाइफ एंड फाउंडेशन तो कभी है और उसके साथ और कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं. जैसे हम लोग काफ़ी लोग हैं. अरुणा मैम तो ये पूरा हमारी टीम है. इसमें एरएम मैम भी है. बाकी जो यहाँ बैठे हैं मुकेश सर है शैलेश जी है मैं हूँ है ये. बाकी आप लोग सहयोग रही है. एरम मैम का भी सहयोग है इसमें. वो भी जुड़ी है हमारे साथ में. हालांकि आज वो आने वाले थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेकिन दिल्ली में कुछ काम आ गया तो फ्लाइट से उनको वहाँ जाना पड़ा. लेकिन उनका सहयोग इसमें रहेगा और इस बार वापस दिखेगी हमारे साथ. सभी डॉक्टर हो बीएमसी हो पुलिस वाले है बाकी जो भी लोग हैं एजुकेशन से वो बिजनेसमैन है सबको दिया जाएगा. अच्छा ये जो है सिर्फ मुंबई के लिए सीमित है. ना ना ना, ना, ना। ये पूरी इंडिया के लिए वर्ल्ड के लिए कहते हैं. अगर कोई यूके में बैठा है उसने कुछ कोरोना काल में हेल्प की किसी की भी तो अगर वो कहता है उन्हें भी देंगे. मेरे पास भी अभी हाल ही में हमने एक अवार्ड किया था उसने यूके से लोग आए थे उन्होंने उनको भी दिया है. यहाँ भी देखो बाहर से कोई आता है वाकई काबिल है उसने काम किया है उसी में हम अवार्ड देंगे. नहीं सिर्फ अवार्ड शो ही है. नहीं एसिड विक्टिम के लिए कुछ अलग से प्लान किया है अरुणा जी ने जो थोड़ा वॉक करेंगे वो थोड़ा और उनके लिए कुछ अलग से उन्होंने कुछ प्लानिंग्स करके रखी है.